आज पूरा देश विवाह पंचमी मना रहा है। रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। सनातन धर्म के लोग आज के दिन को उत्साह पूर्वक विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस बार का विवाह पंचमी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि एक महीने बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस बार पूरे देश में विवाह पंचमी को लेकर काफी जोश देखा जा रहा है। पटना के फतुहा स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर में विवाह पंचमी को लेकर भगवान राम और सीता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया और पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि युवाओं ने कहा कि इस बार हम लोग के लिए बहुत खास है, क्योंकि अगले महीने अयोध्या में भगवान श्री राम फिर से आ रहे हैं। वहीं पूरे कार्यक्रम के आयोजक मंदिर के मंथक राम सुंदर शरण ने बताया कि विवाह पंचमी को लेकर हर साल यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। कल 16 दिसंबर को एक दिन पूर्व मंडपच्छादन का कार्यक्रम हुआ था। आज बारात के रूप में शोभा यात्रा निकाली गई है। रात्रि में विवाह संपन्न होगा और कल पूरे विधि विधान के साथ बहु भोज यानी राम कलेवा किया जाएगा और भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। बहुत इंतजार रहता है, बहुत अपने घर के शादी से ज्यादा बड़ी खुशी है हम लोग को कि गांव में घर में बगल में हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा जो ये महिलाओं का रूप है और यहाँ देखिए ये जो पुरानी परंपरा है उसके ऊपर भगवान श्री राम की जो मूर्तियाँ है उनकी मूर्ति ये पालकी पर ले जाए जा रही है और इस मंदिर से ये प्रत्येक बार विवाह पंचमी के मौके पर जुलूस निकलता है, लेकिन इस बार कुछ खास ज्यादा युवा भी है क्या? हाँ, इस बार काफी जोश देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा इस बार देखा जा रहा है। इस बार श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। 500 सालों के बाद ये हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या में। हम लोग काफी जोश में है, हमारा तपस्या सफल होने जा रहा है। तो देखिए ये युवा का कहना है कि इस बार तपस्या सफल होने जा रहा है, इसको आगाज के रूप में देखा जा रहा है और विवाह पंचमी के मौके पर झांकियां निकाली गई है भगवान श्री राम के और सीता हनुमान की झांकियां निकाली गई है। हम बात करेंगे जो इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं महंत राम सुंदर शरण, उनसे बात करेंगे क्या कुछ होना है पूरे इस बार, क्या कुछ खास है, क्योंकि जो अयोध्या मानो एक महीना पहले आप लोग आगाज कर दिए हैं अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। इस बार एक महीना पहले से पूरा राम राम तो राम राम सब दिन होते रहता है और एक महीना पहले आज राम जानकी विवाह उत्सव मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में क्या क्या होना है विवाह में? राम जानकी विवाह में आज अभी तो बराती निकला हुआ है, भगवान के बराती निकला हुआ है। इसके बाद क्या बोलता है, रात्रि के विवाह होगा, कल राम कलेवा होगा, फिर प्रसाद का वितरण, ये पूरे विधिवत रूप से विधि सभी विधिवत रूप से जैसे होता है इस तरह से विधिवत। हाँ, कलाकार सब जनकपुर के आए हुए हैं, कलाकार लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। इस बार कुछ खास दिख रहा है? इस बार तो भगवान के मंदिर बैठ में प्रवेश हो रहा है, राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए और विशेष उत्सव से सब लोग लगे हुए हैं। इसमें सब धूमधाम से पब्लिक जनता लोग सब लोग साधु लोग लगे हुए हैं, बढ़िया से कार्यक्रम हो, अच्छा हो।